ये जानकर आपको कैसा लगेगा कि बिहार के नामी और बड़े अस्पताल में जाने पर भी आपकी जान को खतरा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इलाज की गड़बड़ी से या फिर लापरवाही से जान चली जाएगी तो इस बार आप गलत है। जी हाँ, इस बार का खतरा थोड़ा अलग है। खतरा ये है कि अस्पताल में आपके ऊपर अस्पताल की दीवारें या फिर अस्पताल की छत कभी भी गिर सकती है। हाँ जी, ऐसा संभव है। इस बात की संभावना को साबित करने के लिए एक घटना बताती हूँ, फिर मेरी तरह आपके मन में भी कई सवाल उठेंगे इस सिस्टम को लेकर के। ये सवाल उठेगा कि भाई घोटाला तक तो ठीक था, ये महा 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 घोटाला कैसे हो जा रहा है और ऐसे शुभ कामों में जिस पर लोगों की जिंदगियां निर्भर कर रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अगर आपसे पूछूं कि 120 करोड़ कितना होता है तो आप क्या कहेंगे, बहुत होता है या फिर बहुत ही कम होता है? चलिए मान लेते हैं 120 करोड़ रुपए बहुत ही कम है। यह राशि इतनी कम है कि इससे अस्पताल की एक मजबूत बिल्डिंग भी तैयार नहीं की जा सकती है। अब इतने कम रुपए यानी कि 120 करोड़ रुपए में पिछले साल एक भवन बनता है जो 11 महीने में ही भरभरा करके गिर जाता है। तो यहाँ गलती किसकी है, सरकारी कर्मचारी की गलती है या फिर अस्पताल में गलत समय पर पहुंचे उन मरीजों की? वो क्यों उस समय पर अस्पताल आए जब ये बिल्डिंग गिर रही थी? मरीज बीमारी से इलाज करा के शायद बच भी जाए, लेकिन अपने ऊपर जब तब बिना पूर्व सूचना के गिरती इस दीवार को किस सुपर पावर से रोकेंगे? कोई आपदा में हुए नुकसान का नाम तो नहीं दिया जाएगा इसे? या फिर आप जाकर के सवाल करेंगे सरकार से अपनी सुरक्षा के साथ हो रहे इस तरह के भद्दे मजाक को लेकर के? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज IGIMS, इसी अस्पताल में इस शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। हादसा ये था कि अस्पताल के भीतर कैंसर संस्थान के दो कमरों की छत अचानक गिर जाती है। छत गिरने से अचानक अफरा तफरी मची, धमाके की आवाज सुनकर लोग दहशत में आ गए। आप इसे संयोग कहे या फिर ईश्वर का आशीर्वाद कहे कि दुर्घटना के वक्त तीसरे फ्लोर पर कोई मरीज नहीं था, कोई स्वास्थ्य कर्मी भी वहां पर नहीं थे। थर्ड फ्लोर पर रूम नंबर 314 और 313 का छत आधे से ज्यादा धराशाही हुआ पड़ा है। घटना में पता चला कि नए भवन में पानी लग रहा था और भी कई तरह की खामियां सामने आई। इस कारण से भवन को हैंडओवर नहीं लिया जा रहा था। सूचना है कि अस्पताल के तीन दीवार और फॉल सीलिंग के साथ छत का हिस्सा गिरने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हो गया है, साथ ही काम कर रहे कुछ अन्य मजदूर को भी थोड़ी चोट आई है। आपको याद दिला दें कि 120 करोड़ की लागत से बना इस अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट वाला भवन, इसका उद्घाटन साल भर पहले ही CM नीतीश कुमार ने किया था। पिछले एक महीने से यहां पर कैंसर मरीजों का इलाज भी जारी था। देखने में तो भवन आलिशान लग रहा था, लेकिन इस घटना के बाद ये स्लोगन ध्यान में एक बार जरूर आ जाता है, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, किताब को उसके बाहरी आवरण से मत आंकिए। हाल ही में बने भवन की छत गिरने से साफ पता चलता है कि निर्माण एजेंसी ने कितनी घटिया क्वालिटी की सामग्री से इस भवन को तैयार किया था। छत गिरने के बाद सुरक्षा कर्मी बताते हैं कि काफी जोरदार आवाज हुई थी, जिसके बाद सभी देखने आए तो पाया कमरे की छत और छज्जे दोनों ही टूट कर गिरे पड़े हैं। ये भवन के बारे में बताए तो ये वही भवन है जिसका शुभारंभ इसी 10 अगस्त को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया था। भवन एक साल से बनकर तैयार तो था, लेकिन OPD को लेकर के जब दबाव बनने लगा तो आनंद फानंद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस भवन को 10 अगस्त के दिन उद्घाटन किया। यह उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया गया। नए भवन की दीवार अचानक से कैसे गिर गई, यह सवाल उठता है। इसका जवाब तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इस घटना के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटना पर IGIMS प्रशासन का कहना है कि यहाँ ऑपरेशन थिएटर बनाया जा रहा था, काम अभी पूरा नहीं हुआ था। लेकिन इस बयान पर अब हमारा सवाल है कि जब एजेंसी को पूरा काम करके ही भवन सौंपना था तो ये ऑपरेशन थिएटर रह कैसे गया? कई ऐसे सवाल है जो पूरे सिस्टम का खुलासा एक साथ कर रही है, और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं सालों से, उस पर एक साक्ष्य और सामने मिलता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार अपडेट के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। मैं हूं श्वेता और कैमरे पर मौजूद है ओम प्रकाश जी। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।